अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सुरेश गुप्ता जी कौन है? क्या हुआ? उनके नाम पर एक कोर्ट नोटिस है। नोटिस? अरे भैया, कोर्ट का नोटिस किसने भेजा है? हाँ, मैं सुरेश गुप्ता। दीजिए। अब आओ और आके सारा काम खत्म करो। यशोदा, अब इस ऑफिस में मैं तेरी बर्बादी की कहानी लिखूंगा और इस ऑफिस के बाहर तेरे परिवार की। दिमाग खराब हो गया यशोदा का। क्या हुआ? क्या लिखा बाबूजी? अरे उसकी हिम्मत देखो, हमारे नाम पे नोटिस भेजा उसने। लिखा है, अशोक के नाम की जायदाद का बंटवारा करिए और उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके। बहुत मरी जा रही थी ना अपनी प्यारी बहू के मुंह में, हैं? ये देखो, 2 दिन के अंदर उसने अपना रंग बदल दिए। हमसे बंटवारे की बात कर रही है वो। लाए बाबूजी, पेपर हमको दीजिए, जाकर उनके मुंह पर फेंक आते हैं हम। अरे साले साहब, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट का नोटिस है और इसका जवाब देना पड़ता है। और हमको ऐसा लग रहा है कि वे लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है और हम लोगों को इसके लिए विधिवत तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल तो करना ये चाहिए कि यशोदा की किसी बात का हम लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों बाबूजी, ठीक कह रहे हैं ना? ये नोटिस भेज करके तो उसने एकदम क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल तैयार बैठी है लड़ने के लिए। हम लोगों को भी ना ठंडे दिमाग से बिल्कुल सोच विचार लेना चाहिए। 2-4 अच्छे अच्छे वकीलों से राय सलाह लेनी चाहिए, तब जाके यशोदा से बात करेंगे। चलो ना, सब उनको समझाने चल रहे हैं ना। कुछ मत बोलना। और अम्मा, आप भाभी से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आप भूखी प्यासी रहेंगी तो हम सब भूखे प्यासे रहेंगे और महुआ को भी रखेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।